तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग क्लॉक ऐप में नया अपडेट आया और उसके बारे में आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग क्लॉक के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ जाना है आपको अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर में। गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे थ्री डॉट्स में और यहाँ जाएंगे अपडेट्स में, तो आपको मिल जाएगा कि सैमसंग क्लॉक का आपको नया अपडेट यहाँ पर रोल आउट किया गया। आप देखेंगे ये अपडेट यहाँ पर आपको रोल आउट कर दिया गया है। ये जो अपडेट है 15 मई को आया, मतलब आज ही के दिन इसको, आज नहीं यार 17 तारीख है, मतलब 2 दिन पहले आया था। जैसे कि मैंने बताया, वो धीरे धीरे करके सबको रोल आउट होता है। तो मेरे पास ये आज ही अपडेट आया है और इसमें क्या नए फीचर दिए गए हैं आप देख लीजिए। यहाँ पर क्या किया है, इम्प्रूवमेंट सो दैट अपकमिंग अलार्म दैट इज अपडेटेड नॉर्मली एट द टॉप ऑफ अलार्म टैप स्क्रीन। मतलब जो इनका अपकमिंग अलार्म है आपको वहां पर मिल जाएगा टॉप में एट द अलार्म टाइप स्क्रीन पे। उसके बाद आपको इम्प्रूव सो डेट वेन यूजिंग अ स्क्रीन सेवर इट डज नॉट चेंज द कलर इवन आफ्टर एल्बम टाइम अलार्म टाइम विल साउंड। मतलब अगर आपने अपने मोबाइल में स्क्रीन सेवर लगा के रखा होगा तो उसका कलर चेंज नहीं होगा इवन जब आपके मोबाइल का अलार्म या टाइमर आपने लगा के रखा है। और अदर फीचर्स इंप्रूवमेंट एंड बग्स फिक्स यहाँ पर किए गए। तो अब इसको कर लेते हैं अपडेट। अपडेट होने के बाद मैं फाइनल बताऊंगा आपको क्या क्या नए चेंजेस हैं और कैसे उसको यूज करेंगे। तो होने देते हैं अपडेट। तो दोस्तों फाइनली हो चुका है अपडेट। अपडेट करने के बाद मैं कर लेता हूँ यहाँ पर ओपन। जो सबसे पहले यहाँ पर फीचर लिखा गया है, इम्प्रूव्ड सो डेट अपकमिंग अलार्म टाइम इज अपडेटेड नॉर्मली एट द टॉप ऑफ द अलार्म स्क्रीन। मतलब कि कोई भी नया आपका अलार्म होगा तो आपको टॉप ऑफ की स्क्रीन में मिलेगा। कैसे, ओपन कर लिया मैंने यहाँ पर और यहाँ पर आके मैंने एक अलार्म को सेट कर लिया। लाइक मैं यहाँ पर आया, मैंने अभी 8:42 हो रहा है और मैंने यहाँ पर लाइक 8:43 का या 8:44 का मैंने अलार्म को सेट कर लिया और यहाँ पर सेव कर दिया। यहाँ पर सेव करने के बाद आप ऊपर देखेंगे, आप ऊपर आपको पहले क्या मिल रहा था, अलार्म विल बी टॉप ऑन। अब जैसे ही 1 मिनट बचा है तो ऊपर आपको मिल गया अलार्म विल बी गो ऑफ सून। मतलब कि बस तुरंत ही आपका होने वाला है, आप इसको ऑफ कर सकते हैं। तो पहला अपडेट तो यही है कि सबसे ऊपर आपको नोटिफिकेशन मिलेगी टैप स्क्रीन पे और यहाँ ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पर भी एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी। कैसी मैं बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर 8:44 की जगह 8:45 कर लिया, मैंने 8:45 कर लिया और मैं यहाँ पर जैसे ही ऊपर आएंगे आप, यहाँ पर आपको एक ऊपर नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। ये टॉप पे आप देखेंगे टर्न ऑफ योर अपकमिंग अलार्म, आपको एक नोटिफिकेशन यहाँ पर मिल रही है और एक ऊपर मिल रही है अलार्म इन 2 मिनट्स। और जैसे यहाँ पर 8:44 हो जाएंगे या फिर 1 मिनट बचेगा तो वहां पर आपको अलग से एक नोटिफिकेशन आ जाएगी, अलार्म विल बी सून ऑफ, ऐसा करके आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो सबसे पहला जो अपडेट वो यही है। उसके बाद जो सेकंड है, अभी एक सेकंड और या तो कुछ सेकंड बाद आपको, आप देखेंगे यहाँ पर अलग से एक चेंज हो जाएगा। ये आपका जैसे ही 1 मिनट बचेंगे अलार्म को तो देखिए आप, ये चेंज हो चुका है, अलार्म विल बी गो ऑफ सून। तो अब ये वाला अपडेट आपको मिल जाएगा। तो पहला जो फीचर है यह वो यही है। उसके तो सेकंड अपडेट, अगर आप स्क्रीन सेवर यूज करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पर कोई कलर चेंज नहीं होने वाला, चाहे आपने टाइमर या अलार्म लगा के रखा हो। तो सेकंड अपडेट ये है। और थर्ड अपडेट ये है, अदर फीचर इंप्रूवमेंट बग्स फिक्स। मतलब कुछ जो भी बग्स होंगे इसके अंदर, वो बग्स को यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। तो यही नए अपडेट्स है, यही नए फीचर थे यहाँ पर जो एड इन हुए। सब एक ही फीचर जो मुझे सबसे बेस्ट लगा वो ये वाला, कि जो ऊपर आपको टॉप पे नोटिफिकेशन आ जाएगी यहाँ पर भी, और नोटिफिकेशन पहले पैनल पे भी आपको नोटिफिकेशन आएगी कि आपका अपकमिंग अलार्म ऑन होने वाला है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी वीडियो कुछ कमी तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो अपडेट आपको सबसे मिले। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना भी ना भूलें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।